हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या है, तो उससे पहले हमें समझना होगा कि मिसाइल्स क्या होती हैं। अब मिसाइल्स जो हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इंडिया मिसाइल्स के थ्रू, जिसमें हाई एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, हालांकि केमिकल वेपन बायोलॉजिकल वेपन बैन है, लेकिन मिसाइल्स में एज अ वॉरहेड यूज़ किए जा सकते हैं। तो कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर मिसाइल्स के थ्रू, उसमें वॉरहेड में न्यूक्लियर वेपन भी के थ्रू भी अटैक कर सकती है, या बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन या हाई एक्सप्लोजिव्स रखकर अटैक कर सकती है। अब ये तो हुआ अटैक का, तो डिफेंस का क्या? अगर कोई इनकमिंग मिसाइल इंडिया की तरफ आए तो इंडिया अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा? तो उसके लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल आई है, चाइना की तरफ से कोई मिसाइल आई है, तो हमारा एक मिसाइल सिस्टम है, एक ऐसी शील्ड होनी चाहिए कि हम उन सारी इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में ही ख़त्म कर लें, ठीक है, या फिर एनिमी एयर स्पेस में ही मार गिराएं। इंडिया तक वो मिसाइल, उनके जो भी उन्होंने टारगेट रखा है, वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो काम कैसे करता है एंटी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम? देखिए, यहाँ से एनिमी की मिसाइल लॉन्च हुई है, ठीक है, और हमारा जो रडार सिस्टम होता है, रडार इंस्टॉल होते हैं जगह जगह पर, ठीक है, और रडार के रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू एनिमी कंट्री की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, और फिर एक सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशंस होती हैं उन रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, एनिमी कंट्री की जो मिसाइल है उसकी स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ऑल्टीट्यूड क्या है, और किस टाइम पे, उसके हिसाब से वो ट्रैक करता रहता है, और किस टाइम पे मिसाइल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कहाँ पर होगी, तो वो कैलकुलेशन करके जो हमारा एक दूसरा सिस्टम है वहाँ पर वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह भेजता है, पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेशंस होती हैं। फिर एक हमारी जो मिसाइल होगी वो भी लॉन्च हो जाएगी, और वो जो एनिमी कंट्री की मिसाइल होगी वो एनिमी एयर स्पेस में या हवा में ही मार गिरा दी जाएगी, ताकि इंडिया के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो भी टारगेट में थे वहाँ तक एनिमी कंट्री की मिसाइल ना पहुँच पाए। तो सिंपल सा है, एनिमी कंट्री की मिसाइल आई, हमने रडार वेव्स, रेडियो वेव्स के थ्रू, रडार्स के थ्रू उनकी मिसाइल को इंटरसेप्ट करा, फिर कैलकुलेशन करके हमारी भी एक मिसाइल निकल गई, और दोनों मिसाइल हवा में टकराई और ख़त्म हो गई वहीं, ठीक है। इस तरीके से हम इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं, एक शील्ड बना सकते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये एक इमेज से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि किस तरीके से मिसाइल डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। अब इंडिया के कौन कौन से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, तो हमारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इंडिया के खुद के बनाए हुए भी हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ ने हमें हेल्प करी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में, या हमने उनसे परचेज भी करे हैं। तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक देशी विदेशी मिसाइल शील्ड है, ठीक है। तो जैसे एक आकाश है, आकाश जो है हमारा खुद का बनाया हुआ डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसकी आकाश की रेंज काफ़ी कम है। आकाश 30 किलोमीटर इसकी अराउंड रेंज है आकाश मिसाइल। तो रडार सिस्टम ट्रैक करेगा, और फिर सिस्टम ट्रैक करने के बाद, एनिमी कंट्री की मिसाइल को ट्रैक करने के बाद हमारी आकाश मिसाइल जाएंगी और एनिमी मिसाइल को हवा में ही गिरा देगी, ठीक है। उसके अलावा स्पाइडर है, एक स्पाइडर जो है लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल है। एक नंबर वन आकाश लिख लेते हैं, नंबर टू स्पाइडर, ये लो लेवल क्विक रिएक्शन सिस्टम है, इसकी रेंज भी कम है, 15 किलोमीटर रेंज है, और इसमें हमें इजराइल ने हेल्प करी है, इजराइल। तो एक इस तरीके का भी हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर, ठीक है। और तीसरे की अगर हम बात करें, एक हमारा जो खुद का इंडिजिनस है, इसमें तो इजराइल ने हेल्प करी है, पृथ्वी एयर डिफेंस है, पृथ्वी एयर डिफेंस है, और एक एडवांस्ड एयर डिफेंस है, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस्ड एयर डिफेंस, ठीक है। पृथ्वी एयर डिफेंस हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, इसकी रेंज जैसे 70-80 किलोमीटर तक है, और इसकी 15-20 किलोमीटर तक है, ये हाई ऑल्टीट्यूड के लिए,
हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई वाले इलाकों, पहाड़ी इलाकों के लिए, ठीक है, और ये लो ऑल्टीट्यूड है, मतलब ग्राउंड के इलाकों के लिए, ठीक है। ये एक पृथ्वी एयर डिफेंस, ये हमारा इंडिजिनसली डेवलप है। आकाश जो एयर डिफेंस है, ये भी हमारा खुद का डेवलप है। स्पाइडर में इसराइल ने हमें हेल्प करी है, और एक और है हमारा चौथा बराक 8, इसमें इसराइल ने हमारी हेल्प करी है, बराक 8, ठीक है। इसकी रेंज 70-80 किलोमीटर के करीब है, 70-80 किलोमीटर इसकी रेंज है, ठीक है। अब ये जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, हमें और ज़्यादा अगर एडवांस सिस्टम चाहिए, कई बार बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी वॉर वाल लाइक सिचुएशन में धड़ाधड़ बहुत सारी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च होती हैं, तो और ज़्यादा दुनिया का अगर एडवांस सिस्टम देखा जाए, तो एक तो रशिया का S-400 ट्रम्प सिस्टम है, रशिया का वो काफ़ी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ये इतने एडवांस नहीं है, रशिया का S-400 काफ़ी एडवांस्ड है, और अमेरिका का एक थार्ड है, ठीक है, वो भी काफ़ी एडवांस्ड है अमेरिका का। तो हमने क्या करा है, हमने पांचवा, अगर हम बात करें तो S-400, ट्रम्प सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, इसकी रेंज 400, S-400 का मतलब है 400 किलोमीटर की रेंज है, तो रेंज काफ़ी ज़्यादा है। जो अभी तक हमने डिस्कस करा उनमें सब में रेंज कम थी, 15 किलोमीटर थी, 30 किलोमीटर थी रेंज, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी लाइक कर लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आगे कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है। एक मोटिवेशन भी मिलता है हमें, फिर और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। S-400 ट्रम्प सिस्टम है, ये इंडिया ने रशिया से परचेज करा है 2018 में, 2018 में ये डील साइन हुई है, ठीक है, 2018 में डील साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड रशिया। तो हमने ये रशिया से परचेज करा है, तो एग्जाम में ये बहुत सारे एग्जाम में आ भी गया है कि S-400 क्या है। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि हमने रशिया से परचेज करा है। ये इस सिस्टम में मिसाइल्स भी होंगी, पूरे सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, रडार भी होंगे, और पूरा एक सिस्टम बना हुआ होगा। रडार इंटरसेप्ट करेगा, सॉफ्टवेयर पूरी कैलकुलेशन करेगा, फिर यहाँ से एक मिसाइल जाएगी और एनिमी मिसाइल को एनिमी एयर स्पेस में ही गिरा देगी, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है, दुनिया का काफ़ी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये 2018 में डील साइन हुई है, कितनी हमने, कितने सिस्टम ये खरीदे हैं, कितनी मिसाइल्स खरीदी हैं, ये क्लासिफाइड है, ये भारत सरकार जो है वो रिवील नहीं करेगी, क्योंकि ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इस तरीके से रिवील नहीं किया जाता, ठीक है। तो अराउंड 29,000-30,000 करोड़ की ये डील थी, तो उतने में ये खरीदा जा रहा है रशिया से। तो हालांकि उन्होंने डिलीवर करना स्टार्ट भी कर दिया है, एग्जैक्ट कितना डिलीवर करा है वो नंबर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो हमने डिस्कस करा इंडिया का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, लेकिन एग्जाम में अदर कंट्री के भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसराइल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसराइल पैलेस्टीन, इसराइल हमास स्ट्रगल चल रहा है। तो इसराइल की अगर हम बात करें, जैसे बराक 8 इसराइल से हमने खरीदा, ठीक है, बराक 8 इसराइल के साथ मिलकर डेवलप करा। उसके अलावा एक एरो सिस्टम है इसराइल का, और एक आयरन डोम, आयरन डोम सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम जो कि इंस्टॉल हो रखा है, वो जो गाजा, इसराइल और गाजा बॉर्डर में, ठीक है, इसराइल के बहुत सारी सिटीज को बेसिकली कवर कर रहा है, इसराइल की सिटी की शील्ड है आयरन डोम सिस्टम। अब लेकिन आयरन डोम सिस्टम ये सब इसराइल के हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो इसराइल को एक शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनकमिंग मिसाइल्स किसी को नुकसान ना पहुंचाए रेजिडेंशियल एरिया में, ठीक है। अब लेकिन आयरन डोम सिस्टम में क्या हुआ कि गाजा ने जब 5,000+ रॉकेट्स लॉन्च करे लगातार एक के बाद एक, तो आयरन डोम सिस्टम भी इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया। अब एक कंट्री की तरफ से 5,000 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च होंगे, लगातार लॉन्च होंगे, तो कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो आयरन डोम सिस्टम इसराइल का उतना अच्छे से काम नहीं कर पाया, बहुत सारी मिसाइल्स निकल कर रेजिडेंशियल एरिया में गिर गई, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसराइल का कौन सा है, तो आयरन डोम सिस्टम ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि न्यूज़ में है आयरन डोम सिस्टम।
उसके अलावा इसराइल के अलावा रशिया की भी हमने बात कर ली, जो इंडिया ने परचेज करा है, एक यूएस का है 6, ये यूएस का है थार्ड सिस्टम, थार्ड इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये यूएस का सिस्टम है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अमेरिका चाहता था कि हम S-400 के बदले थार्ड खरीदें, मतलब रशिया के साथ डील ना करें और हम थार्ड खरीदें। इसकी रेंज थोड़ी सी कम है, 200-250 किलोमीटर ही रेंज है, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है। लेकिन हमने रशिया के साथ डील फाइनलाइज करी 2008 में। उसके बाद अमेरिका ये कह रहा था कि इंडिया के ऊपर एक काट्सा एक्ट है, काट्सा एक्ट, ये भी एग्जाम, एक तो ये थार्ड भी यूपीएससी में भी आया हुआ है एग्जाम में कि थार्ड क्या है, और अलग अलग एग्जाम में भी आया है, थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और ये वाला ये इंस्टॉल हुआ है, इंस्टॉल्ड इन साउथ कोरिया, साउथ कोरिया अलोंग बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया, बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बॉर्डर पे ये इंस्टॉल किया है अमेरिका ने, मतलब साउथ कोरिया के लिए। जिसके बाद नॉर्थ कोरिया या चाइना नाराज भी हो रहा था अमेरिका से कि अमेरिका क्यों बीच में घुस रहा है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई में, लेकिन साउथ कोरिया के बॉर्डर में इंस्टॉल किया हुआ एक शील्ड की तरह है, नॉर्थ कोरिया से अगर कोई इनकमिंग मिसाइल आती है तो थार्ड सिस्टम प्रोटेक्ट करेगा साउथ कोरिया को, एनिमी कंट्री की मिसाइल को एयर स्पेस में ही गिरा देगा, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये ध्यान रखना है, थार्ड अमेरिका का सिस्टम है और साउथ अफ्रीका में भी इंस्टॉल किया जा चुका है, ठीक है। काट्सा ये कानून है जो अमेरिका की सीनेट में या वहां की पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये अमेरिका ने कानून पास किया हुआ है अपने यहां, और इसमें ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील वगैरह, वेपन से रिलेटेड कोई भी डील वगैरह साइन करता है, ठीक है, तो उसे अमेरिका के अगेंस्ट माना जाएगा। जैसे इंडिया ने S-400 खरीदा है तो अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट माना जाएगा, क्योंकि हमने रशिया से खरीदा है। तो अमेरिका रशिया के साथ कोई भी कंट्री डील करती है तो उसके ऊपर ये काट्सा एक्ट के थ्रू सैंक्शंस वगैरह लगाया जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने S-400 खरीदा तो अमेरिका बोल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तो काट्सा एक्ट है तो हम इंडिया के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, स्टेप्स लेंगे कुछ ना कुछ कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन इंडिया को एग्जम्पशन मिल जाएगी क्योंकि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, एशिया में चाइना के साथ भी दुश्मनी, रशिया के साथ भी दुश्मनी है, और तीसरी कंट्री इंडिया के साथ भी दुश्मनी, क्योंकि एशिया की ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। चाइना को अगर काउंटर करना है तो इंडिया को तो साथ लेना अमेरिका के लिए ज़रूरी है, और कोई रास्ता नहीं है। चाइना की, चाइना लगातार ग्रो करता जा रहा है तो इसलिए इंडिया को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए इंडिया क्या है, स्ट्रेटेजिक एलाय है यूएस का, अमेरिका का, तो वो सैंक्शंस लगा के इंडिया के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करने वाला, ठीक है। हालांकि उनके यहाँ कानून ज़रूर पास है लेकिन वो इंडिया को एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अलग अलग कंट्री का, ठीक है, जो लगातार न्यूज़ में भी रहता है और एग्जाम पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और अभी आगे आने वाले एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।